नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लाया हूँ 32 फीट बाय 36 फीट 3 BHK हाउस प्लान। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को सारा प्लान क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आप लोगों को रूम मैनेजमेंट बताऊंगा, फिर दोस्तों सारा डायमेंशन क्लियर करूंगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों इस बिल्डिंग की फ्रंट पोर्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों मेन एंट्रेंस। यहाँ पर आप कोलैप्सिबल डोर यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप अंदर आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों ड्राइंग हॉल। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड किया है एक स्टेयर। देखिए इस साइड से अप हो रहा है। यहाँ पर है दोस्तों एक लैंडिंग, यहाँ पर है दोस्तों और एक लैंडिंग। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने आर्च प्रोवाइड किया है। आप चाहे तो यहाँ पर डोर भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप अंदर आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों डाइनिंग हॉल, जो कि काफ़ी बड़ा है। ओके, और इस साइड में हम लोगों ने प्रोवाइड किया है एक किचन। तो यहाँ पर हम लोगों ने आर्च प्रोवाइड किया है। आप चाहे तो यहाँ पर डोर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने एक विंडो प्रोवाइड किया है। फिर दोस्तों देखिए, इस साइड में हम लोगों ने एक बेडरूम रखा है। तो ये है दोस्तों इस बेडरूम की डोर देखिए, इस साइड ओपन होता है। यह है दोस्तों 900x2000 mm का। यहाँ पर हम लोगों ने एक विंडो प्रोवाइड किया है। तो यह है दोस्तों 1200x1350 mm का। आप चाहे तो यहाँ पर और एक विंडो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टडी रूम प्रोवाइड किया है। तो यह है दोस्तों इसका डोर देखिए, इस साइड ओपन होता है। यह है दोस्तों 750x2000 mm का। और यहाँ पर हम लोगों ने एक विंडो प्रोवाइड किया है। यह है दोस्तों 1000x1350 mm का। फिर दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने और एक बेडरूम प्रोवाइड किया है। तो यह है दोस्तों इसका डोर देखिए, इस साइड ओपन होता है। यह है दोस्तों 900x2000 mm का। यहाँ पर भी हम लोगों ने एक विंडो प्रोवाइड किया है। यह है दोस्तों 1200x1350 mm का। फिर दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक टॉयलेट एंड बाथरूम प्रोवाइड किया है। और यहाँ पर और एक टॉयलेट एंड बाथरूम प्रोवाइड किया है। तो दोनों का डोर है देखिए 750x2000 mm का। इसका डोर इस साइड ओपन होता है और इसका डोर इस साइड में ओपन होता है। तो दोनों टॉयलेट एंड बाथ में हम लोगों ने प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम भी प्रोवाइड किया है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने और एक बेडरूम प्रोवाइड किया है। आप चाहे तो इस रूम को गेस्ट रूम के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों 900x2000 mm का डोर, जो इस साइड ओपन होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक विंडो प्रोवाइड किया है, जो कि है दोस्तों 1200x1350 mm का। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितना भी आउटसाइड वॉल है यह है दोस्तों 10 इंच का। और दोस्तों जो इनसाइड पार्टीशन वॉल है यह है दोस्तों 5 इंच का। तो यह है दोस्तों रूम मैनेजमेंट। अब दोस्तों हम लोग इसका पूरा डायमेंशन देख लेते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, इस साइड है टोटल 36 फीट और इस साइड है दोस्तों 32 फीट। ओके, तो इस बेडरूम की डायमेंशन है देखिए 11 फीट 1 इंच इस तरफ एंड 9 फीट 3 इंच इस तरफ। फिर दोस्तों देखिए, इस टॉयलेट एंड बाथ की डायमेंशन है 6 फीट 1 इंच इस तरफ एंड 5 फीट 4 इंच इस तरफ। और इस टॉयलेट एंड बाथ की डायमेंशन भी सेम है, 6 फीट 1 इंच इस तरफ एंड 5 फीट 4 इंच इस तरफ। फिर दोस्तों देखिए, इस बेडरूम की डायमेंशन है 11 फीट 8 इंच इस तरफ एंड 11 फीट 2 इंच इस तरफ। स्टडी रूम की डायमेंशन है दोस्तों 7 फीट 2 इंच इस तरफ एंड 11 फीट 8 इंच इस तरफ। फिर दोस्तों, इस बेडरूम की डायमेंशन है 11 फीट 2 इंच इस तरफ एंड 11 फीट 8 इंच इस तरफ। किचन का डायमेंशन है दोस्तों 6 फीट 1 इंच इस तरफ एंड 12 फीट 7 इंच इस तरफ। दोस्तों, इस डाइनिंग हॉल की डायमेंशन है 12 फीट 7 इंच इस तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन है दोस्तों 18 फीट 1 इंच। फिर दोस्तों देखिए, इस ड्राइंग रूम की डायमेंशन है देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 11 फीट और इस साइड है दोस्तों 9 फीट 3 इंच। और इस स्टेयर की देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 9 फीट 3 इंच और यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है 7 फीट 10 इंच। ओके, तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को प्लान पसंद आया है। अगर दोस्तों प्लान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।